कनाडा में बैठकर कुछ कट्टरपंथी पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं, जबकि लुधियाना के सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा कि उनके यह मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। रवनीत बिट्टू के अनुसार पंजाब में कभी खालिस्तान नहीं बना है और न ही वह कभी बनने देंगे। आइए सुनते हैं रवनीत बिट्टू को कि उन्होंने खालिस्तानियों को क्या कहा। ये पंजाब है, ये खालिस्तान नहीं है, ना खालिस्तान यहाँ कभी बनेगा, ना खालिस्तान कोई बनने देगा। अगर बनाना है तो कनाडा में बैठे हैं जहाँ पे जो 2020 वाले हैं वहाँ खालिस्तान बना ले। और दूसरी बात, ये बाहर वाले जो आग लगाने की कोशिश करते हैं, ये अपने बच्चे भेजें पंजाब में, चलो हम पहली बात खालिस्तान की वो बात करते हैं ना, यहाँ पंजाब में तो भेजें। सबसे अमीर लोग बने हुए हैं वहाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, घरों में, कोठियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो वहाँ पे घूमते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर और पाउंड में वो खेल रहे हैं। कभी पंजाब देखा है उनके बच्चों ने? यहाँ हमारी पीस क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप खालिस्तान का मुद्दा बना के? खालिस्तान बनाना है तो पहले आके पंजाब में बैठें, देखें पंजाब में हालात क्या हैं। कभी पंजाब आए हैं वो? पंजाब की तरफ मुंह भी किया है? पंजाब की समस्याएं देखी हैं? पंजाब का गरीब, पंजाब का किसान कभी उसका हाल पूछा है? तो वहाँ बैठ के खालिस्तान की बात करने वालों, पंजाब को, पंजाब की अमन चैन को हम चोट नहीं लगने देंगे। ना आप जैसे जो चंद लोग हैं उनकी कोई हिम्मत है भी पंजाब की तरफ वो देख भी सकें।